हमारे इस विशाल धरती पर भूमि की तुलना में महासागर ज्यादा है, पर इस विशाल जल भंडार से पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है। दुनिया की 1/4 आबादी पीने के लिए स्वच्छ पानी तक हासिल नहीं कर पाती। हमारे भारत में भी कई गांव सूखे हैं, प्यासे हैं। ये है डॉक्टर सचिन पावड़े, जो पानी फाउंडेशन में वर्धा जिले के लिए जल विशेषज्ञ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सफल बाल रोग विशेषज्ञ होने की वजह से डॉक्टर सचिन पावड़े के अस्पताल में मरीजों का हर वक्त तांता लगा रहता है। ऐसे व्यस्त दिनक्रम से भी वक्त निकालकर हर सुबह और रात को इन्होंने अलग अलग गांव में जाकर श्रम कार्य किया, उन लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथासंभव शीघ्र ही समाधान भी किया। वाटर कप 2018 में इन्होंने न सिर्फ स्वयं सैकड़ों गांव में जाकर श्रम कार्य किया, बल्कि शहरों में रहने वाले हजारों युवाओं, विद्यार्थियों और जिम्मेदार नागरिकों को भी श्रम कार्य में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वाटर कप 2018 शुरू होने के पहले ही इन्होंने सभाओं के माध्यम से इस बारे में जन जागृति की। जल संकट ग्रस्त गांव के लोगों को इस स्पर्धा में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका इतना सकारात्मक परिणाम दिखा कि कई सारे गांवों ने स्पर्धा शुरू होने की पहली रात को 12 बजे से ही श्रम कार्य आरंभ करके आखिरी दिन तक रात 12 बजे तक इसे शुरू रखा। गांव वालों का उत्साह बढ़ाने तथा उनकी मदद करने, श्रम कार्य के लिए उन्हें विविध जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए वैद्यकीय जनजागृति मंच के सदस्यों ने सहकार्य किया। उनके गांव में जाकर स्वयं श्रम कार्य में हिस्सा लिया। रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन महाश्रमदान का आयोजन किया, जिससे अब सामान्य नागरिक भी जल के महत्व को समझने लगे हैं।